बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम आज चीज़ी आमलेट बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब है, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देख सकते हैं मैंने प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए, चीज़ ले ली, दो अंडे ले लेंगे। आप जितना भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं दो अंडों का बना रहा हूँ। दो अंडे लेकर अच्छे से आपने फेंट लेना है। इसके बाद आपने तकरीबन दो चम्मच और हरी मिर्च, एक बारीक कटी हुई टमाटर, ये आपने ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक डालें, इसके बाद धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा डालें, इसके बाद थोड़ी सी इसमें हल्दी सुर्ख मिर्च डाल देंगे। ये डालने के बाद अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अगर आप धनिया ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद पैन लेंगे, पैन में आप थोड़ा सा ऐल डालें। ऐल डालने के बाद जैसे आम रूटीन में आप आमलेट बनाते हैं उसी तरह आपने इसको फैला देना है। इसके बाद एक साइड इसकी पकने दें। जब एक साइड तैयार हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर जो साइड चेंज करेंगे चीज़, मैंने मजरेला चीज़ लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, मुझे तो यही चीज़ पसंद है। मैं इसको कद्दूकश करके देख सकते हैं, मैंने ऊपर इसको आमलेट के ऊपर फैला दिया है। इस तरह फैलाने के बाद इसके बाद इसको आपने फोल्ड कर देना है, देख सकते हैं। इसी तरह फोल्ड करके आपने हल्का सा बस पकाना है। आपको पता है कि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस गर्म होनी चाहिए। देख सकते हैं हमारा मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त तरीके से आमलेट तैयार है। बच्चों को बना के दें, बहुत हेल्दी होता है। अंडा ज़रूर नाश्ते में इस्तेमाल किया करें। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।